अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं उमर शहज़ाद और आप देख रहे हैं टेक्निकल उमर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टिकटॉक पाकिस्तान में चल रही है या नहीं। तो सुने, टिकटॉक को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। ये जो बैन है ये बेसिकली एक्सपेक्ट किया जा रहा था काफ़ी टाइम से, लेकिन आज सुबह से जो टिकटॉक है काम नहीं कर रही। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि टिकटॉक बैन हो गई है, उमर भाई इस पर वीडियो बनाएं, क्योंकि इस पर पीटीए की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोट्स नहीं आया। वो लोग समझ रहे थे कि टिकटॉक के सॉफ्टवेयर में कोई मसला है, लेकिन अब पीटीए ने कंफर्म कर दिया है कि ये जो बैन है ये पीटीए की तरफ से है। वो तो इस टाइम पर जो है टिकटॉक ऑफिशियली नहीं चल रही, क्योंकि अगर आपने टिकटॉक इंस्टॉल किया हुआ है तो उस पर एड्स आ रही हैं और जो है टिकटॉक की वीडियो वगैरह वो बिल्कुल भी नहीं चल रही। सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कि टिकटॉक बैन है या नहीं, तो आप कोई भी वीपीएन इंस्टॉल कर सकते हैं और वीपीएन इंस्टॉल करके देख सकते हैं कि जब वीपीएन इंस्टॉल आप करते हैं तो ये टिकटॉक काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि जो पाकिस्तानी सर्वर है इस पर टिकटॉक को बैन कर दिया गया है, क्योंकि टिकटॉक का सेपरेट वर्जन है, क्योंकि इसका इंटरनेशनल वर्जन जो है वो इंडिया में पहले बैन हो चुका है और यूएसए में इसको बैन करने की बातें चल रही हैं, और अब पाकिस्तान में इसको बैन कर दिया गया है। तो देखने में आया है कि टिकटॉक का आगे फ्यूचर क्या है। आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा कि आपके क्या ओपिनियन है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।